दोस्तों आप सब लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट्स 4.4, 3.5 एंड -1, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कर रहा है दोस्तों कि बिना पाइथागोरस थ्योरम के यूज किए हुए हम लोगों को शो करना है ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है जो राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेज है। अब दोस्तों देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मान लीजिए सपोज दैट ये हम लोगों को ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल किस पे है, ए पे है कि बी पे है कि सी पे है। मान लेते हैं यहाँ पे सपोज दैट एक ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। रैंडमली हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, जैसे पहला कोऑर्डिनेट इसका 4.4, सेकेंड है हम लोगों को 3.5 एंड थर्ड दिया गया -1, -1। ये रैंडमली हम लोग क्या यहाँ पे ट्रायंगल बना लिए। अब दोस्तों देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी दो साइड जो है एक दूसरे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ए बी जो है मतलब बी सी पे परपेंडिकुलर है, मतलब दो लाइन जो है एक दूसरे पे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, आपस में क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उसका स्लोप क्या होता है -1 होता है, यानी कि हम लोग जानते हैं कि m1 into m2 इक्वल टू क्या होता है -1। यदि दो लाइन का स्लोप, यदि दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट यदि -1 हो जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, दोनों लाइन क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, ए बी का स्लोप निकालेंगे, फिर बी सी का स्लोप निकालेंगे और फिर ए सी का स्लोप निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे किसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1 होता है। जिसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा उसके बीच में क्या हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। मान लीजिए ए बी का स्लोप निकाले फिर बी सी का स्लोप निकाले, ए बी और बी सी का स्लोप का प्रोडक्ट -1 यदि हो जाएगा ये कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये करना है इसमें, ठीक है। पर हम तीनों स्लोप निकालेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे एक रैंडमली यहाँ पे क्या कहिए राइट एंगल रैंडमली हम यहाँ पे क्या है ट्राइंगल पहले ड्रॉ कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे बाद में उसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है। ए का कोऑर्डिनेट है 4.4, बी का दिया गया 3.5 और सी का दिया गया -1, -1। अब देखिए जब हम लोग को दो पॉइंट दिया रहेगा उसका हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। देखिए स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 / x2 - x1। जब हम लोग को दो पॉइंट हम लोग को दिया रहेगा उसको टू पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ पहले ए बी निकाल लेंगे। देखेंगे स्लोप ऑफ ए बी, तो देखिए ए बी के लिए क्या हो जाएगा, ए बी के लिए देखिए एक्स वन वाई वन क्या है ये है और एक्स टू वाई टू क्या है ये है। तो फॉर्मूला हम लोग यही लगाएंगे, ये y2 - y1 / x2 - x1। अब यहां वैल्यू पुट कीजिए x1 y1 x2 y2, यानी कि 5 - y1 कितना है, देखिए x1 y1 x2 y2, तो y2 5 है -y1 कितना 4 है, फोन में x2 कितना है 3 -x1 कितना है 4। सॉल्व कर लीजिए तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 अपॉन में 3 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा -1। इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू -1। अब इसे आगे देखिए यहाँ पे और लिखेंगे आप स्लोप ऑफ बी सी, लिखेंगे स्लोप ऑफ बी सी, फॉर्मूला यही रहेगा y2 - y1 / x2 - x1। अब बी सी के लिए देखिए बी सी के लिए अल्फाबेट पहले बी आता तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो y2 - y1 करेंगे तो हो जाएगा y2 कितना है -1 - -1 - y1 कितना है +5, तो ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं, अपॉन में x2 यानी कि -1 - x1 कितना है +3 है, तो ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पे देखिए -1 - -5 तो हो जाएगा -6, अपॉन में ये हो जाएगा -1 - -3 हो जाएगा -4, ये कैंसिल हो जाएगा 2 3 जा और ये 2 2 जा, इसका स्लोप हो जाएगा 3/2। तो लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ओके, और स्लोप ऑफ ए सी निकालेंगे, लिखेंगे एंड
स्लोप ऑफ ए सी, फॉर्मूला सेम रहेगा, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, वैल्यू पुट कर दी ए सी के लिए। देखिए यहाँ पे ए सी के लिए अल्फाबेट पहले ए आता है, प्लस ये आता है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो वाई टू माइनस वाई वन करेंगे तो वाई टू का वैल्यू माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस वन माइनस वाई वन का वैल्यू है फोर अपॉन में एक्स टू, देखिए एक्स टू का वैल्यू कितना है माइनस वन माइनस एक्स वन, एक्स वन का वैल्यू है फोर, आगे देखिए हो जाएगा माइनस फाइव अपॉन में हो जाएगा माइनस फाइव, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा वन। देखिए यहाँ पे तो हम लोगों को यहाँ पे कितना इसका रिजल्ट आ गया, बीसी का एसी का स्लोप आ गया हम लोगों को वन आ गया, तो लिखेंगे कि स्लोप ऑफ एसी इक्वल टू कितना आ गया वन आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग तीनों का स्लोप को मेंशन कर देते हैं, देखिए ए बी का स्लोप कितना आया है, देखिए ए बी का स्लोप आया है माइनस वन, तो मान लो यहाँ पे इसको लिख देते हैं माइनस वन, बी सी का स्लोप कितना है थ्री अपॉइंट टू, और यहाँ पे आ गया ए सी का स्लोप कितना आया है वन आया है, ए सी का स्लोप मान लीजिए वन आया। अब यहाँ पे सोचिए कि किसको किसके साथ, जैसे इसका स्लोप आया है माइनस वन, इसका स्लोप आया थ्री अपॉइंट टू और इसका स्लोप आया वन, तो किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करने पे हम लोग कितना रिजल्ट आएगा माइनस वन आएगा। देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन आने वाला नहीं, इसका रिजल्ट हो जाएगा कितना माइनस थ्री अपॉइंट टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नहीं आएगा माइनस वन, कितना थ्री अपॉइंट टू, सिर्फ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा रिजल्ट, क्या आ जाएगा माइनस वन आएगा। इसका मतलब हो गया कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट में आप लिखेंगे यहाँ पे स्पेस, यहाँ लिखते हैं लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट When two lines are perpendicular, two lines are perpendicular then product of slope is कितना माइनस वन, यहां पर लिखेंगे here slope of AB इंटू स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू माइनस वन, स्लोप ऑफ ए बी कितना है, देखिए स्लोप ऑफ ए बी है हम लोगों को वन, इंटू स्लोप ऑफ ए बी कितना है माइनस वन, देखिए यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी कितना आया है माइनस वन आया, स्लोप ऑफ ए सी कितना है वन है, वन इक्वल टू माइनस वन, यहां से क्या आ गया माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, इसका मतलब है इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ए बी और ए सी जो है, देखिए यहाँ पे ए बी और ए सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ए बी और ए सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या है देखिए यहाँ पे इतने में कॉमन क्या आ रहा है ए आ रहा है ना, ए पे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट पेज में देखिए इस बार लास्ट में आप लिखेंगे सो ए बी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अब देखिए ए बी और ए सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, देखिए ए बी और ए सी में, देखिए ए बी और ए सी में कॉमन क्या आ रहा है ए आ रहा है ना, ए सेम मिल रहा है यहाँ पे, ए पे क्या कीजिए परपेंडिकुलर बनेगा यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, बी यहाँ पे मेंशन कीजिए सी यहाँ पे, या बी यहाँ पे लिख सकते हैं सी यहाँ पे, फिर ए यहाँ पे रहेगा 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे उस कॉर्डिनेट को आप लोग मेंशन भी कर सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन सा कॉर्डिनेट था यहाँ पे, ये हो गया ए का कॉर्डिनेट था कितना 4.4 था, बी कितना था 3.5 और सी था हम लोगों को -1.1। ओके ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर वन का, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू का आ रहा है कि द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स विथ द साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस, क्या कर रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका बेस कितना है 2a है और किस एक्सिस पर लाइक कर रहा है वाई एक्सिस पर लाइक कर रहा है, ये फिगर दोस्तों पहला क्वेश्चन का है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर हम क्या करेंगे ड्रॉ कर लेंगे, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, एक्स डैश है और ये वाई डैश, और यहाँ पे क्या ओरिजिन, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट कितना होता है 0.0 होता है, कह रहा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका बेस कहाँ पे लाइक कर रहा है वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, इस पे इसका बेस लाइक कर रहा है, बेस कितना है 2a है, बेस कितना है 2a है, तो
इसके अलावा क्या करते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रिगनल बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो मान लीजिए सपोज हम लोग ऐसे बनाए, दोनों साइड से बन सकता है, ठीक है। ये हम लोग क्या किए, सब बना लिए। इसका बेस कितना है, 2a है। यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ कितना है, 2a। ओके, मान लिया आप ओ है, यहाँ नेमिंग कर, ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे क्या है, सी। ओके, अब यहाँ पे क्या करा, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। इसका मिड पॉइंट क्या करा, इस साइड का जो मिड पॉइंट है, ये साइड है ना यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट जो है तो क्या, ओरिजिन पे है। ये इसका क्या हो जाएगा, ओ क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। लिख लीजिए यहाँ पे, गिवन गिवन में ओ इज द, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, ओके। तब कह रहा हमको बताने के लिए कि फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का कह वर्टिसेस बताइए कि कितना हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, हम लोगों को कोऑर्डिनेट किसका निकालना है, ए का, सी का और बी का कोऑर्डिनेट निकालना है। यहां पे दोस्तों देखिए, ये बी जो है, बी जो किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्सिस पे लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस में क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। ये पॉइंट मान लीजिए सब्जेक्ट एक्स है और ये क्या है, जीरो। एक्स में क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है। इसमें क्या है, जीरो लेट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए, ये पूरा कितना था, 2a था। ये पूरा कितना था, 2a था। AC कितना था, 2a था। इसमें ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है। ये ऊपर वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये a हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तब ना a और a मिला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, 2a हो जाएगा। लेकिन ये नीचे साइड में है, ओरिजिन से नीचे है, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है। y एक्सिस पे क्या होता है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है। ये हो जाएगा जीरो कॉमा क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। ओके, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को जीरो कॉमा ए हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग को वर्टिस निकालना था a का, b का और c का। a का तो हम लोग निकल चुका है कितना, जीरो कॉमा ए। c का भी निकल चुका है, जीरो कॉमा माइनस ए। और ये हम लोग को सिर्फ b का निकालना है, b क्या है, x कॉमा जीरो है। x का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी कोऑर्डिनेट हम लोग निकल जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड कितना था, 2a था। ये भी क्या हो जाएगा, 2a ये भी हो जाएगा और ये 2a ये भी हो जाएगा। ओके, इतना तो क्लियर है। ये 2a है, ये भी 2a है और ये भी 2a, तीनों साइड क्या है, 2a है। लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 2a। ओके, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे, ये देखिए 2a जो हम लोगों को दिया गया है, ए बी का क्या है, डिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए ए बी है ना, ए बी का डिस्टेंस कितना है, 2a है। दो पॉइंट हम लोगों को दिया है, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग x का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर का रूट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर, 2a हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे गिवन में ए बी इक्वल टू, लिखेंगे नाउ ए बी इक्वल टू कितना है, 2a। तो ए बी क्या है, डिस्टेंस है। लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर ये एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आगे। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए, रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना। अब डिस्टेंस क्या दिया गया, 2a दिया गया है। डिस्टेंस के जगह क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ये ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ए बी की जगह पे यहाँ पे 2a रूट अंडर, देखिए एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। देखिए ए बी के लिए, ए बी के लिए देखिए यहाँ पे, ए बी के लिए एक्स वन वाई वन ये हो गया एक्स टू, ये हो जाएगा वाई टू। एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू है यहाँ पे कितना, जीरो माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, एक्स टू माइनस एक्स वन यानी एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस ए का स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए, ये हो जाएगा 2a इक्वल टू एक्स में जीरो हो जाएगा x, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस जीरो माइनस ए, माइनस ए माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए का स्क्वायर।
यहाँ पे x माइनस जीरो तो x हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जीरो में से ए जाएगा तो माइनस ए, तो माइनस ए का स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, एक तरफ रूट है एक तरफ विदाउट रूट है, तो यहाँ पे हमें क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, क्या हो जाएगा बताइए, इसका स्क्वायर इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर को लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा हम लोगों को देखिए फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो सीधा करके लिख दीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर, एक्स इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर थ्री ए स्क्वायर, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर थ्री ए स्क्वायर। अब इसको रूट से बाहर करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे दोनों हो जाएगा यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट पेज में, इससे आगे देखिए पिछला पेज में वो आया था एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर थ्री ए स्क्वायर, ये एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस, देखिए इसको हम लोग रूट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बाहर हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसको ऐसे ले सकते हैं ये थ्री इंटू ए इंटू ए सब पेयर लगाएंगे तो ये बाहर हो जाएगा, यहाँ से एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर थ्री और ये ए हो जाएगा। एक्स का दो वैल्यू आया, एक्स का दो वैल्यू क्या क्या है, एक आया एक्स इक्वल टू रूट थ्री ए और ये हो जाएगा माइनस रूट अंडर थ्री ए। अब यहाँ पे समझिए यहाँ पे कि दो वैल्यू आया है, ये कहाँ पे रहेगा और ये कहाँ पे रहेगा, निगेटिव देखिए निगेटिव जैसे हम लोग इक्वलेटर टाइम ऐसे बनाए पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग बनाए हैं, ये रूट थ्री ए यहाँ पे हो जाएगा, पॉजिटिव वाला वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर थ्री ए कॉमा जीरो हो जाएगा। यदि ट्रायंगल हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे भी तो बना सकते थे वाई एक्सिस के अलोंग, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस रूट थ्री ए कॉमा जीरो, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स कॉमा जीरो होता है, इसीलिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आया है। ट्रायंगल ऐसे भी बन सकता है, ट्रायंगल ऐसे ही बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी है, हम लोगों को ट्रायंगल का वर्टिसेस लिखना है, ए बी और सी लिखना है, यदि मान लीजिए डी यदि लिख देते हैं यहाँ पे ये और ये वर्टेक्स लिखिए, फिर ये और ये वर्टेक्स लिखिए, तो लिखिए देयरफॉर वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल, देयरफॉर वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल, और लिखेंगे ए लिखेंगे, ए है यहाँ पे जीरो कॉमा ए, बी कितना है देखिए बी है हम लोगों कितना एक्स कॉमा जीरो, एक्स का वैल्यू रूट थ्री ए कॉमा जीरो एंड सी कितना है जीरो कॉमा माइनस ए, ये थ्री वर्टिसेस का हो जाएगा पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग, एंड निगेटिव वाले के लिए लिखेंगे ए और सी तो ऐसे रहेगा, डी का कोऑर्डिनेट अलग हो जाएगा, लेकिन ए हो जाएगा कितना जीरो कॉमा ए, सी हो जाएगा हम लोगों को जीरो कॉमा माइनस ए, एंड डी हो जाएगा माइनस रूट थ्री ए कॉमा जीरो। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू का आंसर हो गया, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आप लोग उसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है फॉर व्हिच द पॉइंट्स एक्स कॉमा माइनस वन टू कॉमा वन एंड फोर कॉमा फाइव आर कॉलिनियर, क्या कह रहा है एक्स का वैल्यू निकाली जब ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है कॉलिनियर है, कॉलिनियर का मतलब हो गया कि थ्री पॉइंट जो है एक ही लाइन में होना चाहिए, मैंने सब ये ए है यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट को मेंशन कर देते हैं, ए का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे एक्स कॉमा माइनस वन और बी का है टू कॉमा वन और सी का है फोर कॉमा फाइव, देखिए आगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन, गिवन देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या कॉलिनियर है, लेकिन ए कॉमा बी एंड सी आर कॉलिनियर, देखिए जब ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर, इसका मतलब क्या है कि इसका स्लोप और इसका स्लोप आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, यहाँ पे स्लोप का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कब, जब हम लोग दो पॉइंट दिया गया है, स्लोप का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, जब दो पॉइंट दिया जाएगा तो होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। अब यहाँ पे ए बी का स्लोप, ए बी के लिए देखिए इसका स्लोप के लिए देखिए ए क्या है, ए बी में अल्फाबेट पहले कौन आता है, ए आता है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए
तो y2 माइनस y1, तो y2 कितना देखिए, x1 y1 x2 y2 ये 1 माइनस y1 कितना है माइनस 1, तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे अपॉन में x2 यानी कि 2 माइनस x1 यानी कि x इक्वल टू, अब bc के लिए देखिए x bc के लिए b पहले आएगा c बाद में आएगा, x1 y1 x2 y2 ये हो जाएगा 5 माइनस 1 अपॉन में 4 माइनस 2। सॉल्व कर लीजिए इसको, देखिए 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में ये 2 माइनस x इक्वल टू 5 में से 1 जाएगा तो 4 अपॉन में 4 में 2 जाएगा तो हो जाएगा 2, कैंसिल कीजिए 2 जाए। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2 अपॉन में 2 माइनस एक्स इक्वल टू ये 2, इसके नीचे 1 कीजिए और यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट पेज में इससे आगे देखिए पिछला पेज में रिजल्ट हमें आया था 2 अपॉन में 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। देखिए 2 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हम लोगों को ये 4 ये माइनस 2x इक्वल टू 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को 4 नंबर वाले को नंबर वाले तरफ लाइए 4 प्लस 2 को लेफ्ट में लाइए तो हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू सोधर ले जाइए तो हो जाएगा 2x 4 में 2 जाएगा तो हो जाएगा 2 इक्वल टू हो जाएगा 2x, यहां से x का वैल्यू निकालिए तो हो जाएगा 2 अपॉन में 2 कैंसिल कर लीजिए तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया 1। तो ये दोस्तों हमने कहा कि x का वैल्यू फाइंड कीजिए जिसके लिए तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर है। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट्स दिस 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 एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। क्या कह रहा है, बिना डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किए हुए हम लोगों को शो करना है कि ये जो पॉइंट है चारों पॉइंट दिया गया है मतलब वर्टिसेस ऑफ किसका है पैरेललोग्राम का है। तो देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड क्या होता है इक्वल होता है और क्या होता है पैरेलल होता है। यदि हम लोग यहाँ पे ये दिखा दें कि AB और CD क्या है इक्वल है और AB और CD क्या है पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ ये हो जाएगा पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे तो पहले क्या करेंगे AB का BC का CD का और DA का स्लोप निकाल देंगे। इसके बाद देखेंगे AB का स्लोप और CD का स्लोप इक्वल है कि नहीं, और यदि मान लीजिए इक्वल है तो क्या हो जाएगा यदि स्लोप यदि पैरेलल होता है तो क्या होता है लाइन क्या होता है इक्वल होता है। देखिए यहाँ पे जब दो लाइन पैरेलल होगा तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। जब दो लाइन पैरेलल हो जाएगा स्लोप क्या होता है उसके लिए क्या होता है इक्वल होता है। तो पहले हम लोग ए बी बी सी सी डी और डी ए का स्लोप पहले निकालते हैं तो लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी फॉर्मूला वही रहेगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन क्योंकि हम लोग दो पॉइंट दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए ए बी का स्लोप कितना हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे ए बी के लिए अल्फाबेट पहले ए आता था एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो वाई टू माइनस वाई वन करेंगे तो वाई टू है जीरो माइनस वाई वन, वाई वन का वैल्यू कितना है माइनस वन तो ब्रैकेट दीजिए अपॉन एक्स टू यानी कि फोर माइनस एक्स वन, एक्स वन है निगेटिव टू तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। तो देखिए जीरो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन अपॉन में ये हो जाएगा फोर और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टू ये हो जाएगा वन अपॉन में क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए कि देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी कितना आ गया वन अपॉन सिक्स आ गया। अब हम क्या करें बी सी का स्लोप निकालेंगे, लिखेंगे स्लोप ऑफ बी सी फॉर्मूला वही रहेगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। अब यहाँ पे देखिए बी सी के लिए क्या हो जाएगा बी पहले आता है एक्स वन वाई वन और ये एक्स टू वाई टू ये हो जाएगा थ्री माइनस जीरो, वाई टू है थ्री माइनस वाई वन है जीरो अपॉन में एक्स टू, एक्स टू हो जाएगा हम लोगों को थ्री माइनस एक्स वन कितना है फोर ये हो जाएगा थ्री अपॉन में थ्री में से फोर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस वन ये हो जाएगा फाइनली कितना माइनस थ्री। लिखेंगे स्लोप ऑफ बी सी कितना हो जाएगा माइनस थ्री। अब हम क्या करेंगे सी डी का स्लोप निकालेंगे, लिखेंगे स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी फॉर्मूला सेम रहेगा लिखेंगे वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। अब सी डी के लिए देखिए यहाँ पे सी यहाँ पे है और डी यहाँ पे, अल्फाबेट पहले कौन आएगा सी आएगा एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू ये हो जाएगा हम लोगों को एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू ये हो जाएगा टू माइनस थ्री अपॉन में
अब इससे आगे देखिए वाई टू माइनस वाई वन किया है तो ये हो जाएगा टू माइनस थ्री अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन करें तो एक्स टू का वैल्यू है माइनस थ्री माइनस एक्स वन का वैल्यू कितना है थ्री। सॉल्व कर लिए देखिए टू में से थ्री जाएगा तो हो जाएगा माइनस वन अपॉन में माइनस थ्री तो हो जाएगा माइनस सिक्स माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ये कितना आ गया वन अपॉन सिक्स। देख लीजिए यहाँ पे स्लोप ऑफ सी डी कितना आ गया वन अपॉन सिक्स और हम क्या करेंगे ए डी का स्लोप निकालेंगे। देखिए नेक्स्ट पेज में इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखे स्लोप ऑफ ए डी फॉर्मूला रहेगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। देखिए ए डी के लिए अल्फाबेट में पहले ए होगा तो एक्स वन वाई वन ये हो जाएगा एक्स टू वाई टू तो वाई टू माइनस वाई वन करेंगे तो हो जाएगा टू माइनस वाई वन कितना है देखिए एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू तो टू माइनस वाई वन का वैल्यू कितना है माइनस वन तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे अपॉन में एक्स टू यानी कि माइनस थ्री माइनस एक्स वन का वैल्यू कितना है माइनस टू यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए सॉल्व कीजिए इसको एडी का स्लोप हो जाएगा हम लोगों को देखिए हो जाएगा टू और ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन अपॉन में और ये हो जाएगा माइनस थ्री और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू ये हो जाएगा हम लोगों को थ्री अपॉन में टू में थ्री जाएगा कितना हो जाएगा माइनस वन इसका स्लोप आ जाएगा माइनस थ्री। तो लिखेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ एडी कितना हो जाएगा माइनस थ्री। अब यहाँ पे इसको मेंशन कर दीजिए देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ए बी का स्लोप वन अपॉन सिक्स बी सी का स्लोप माइनस थ्री सी डी का स्लोप वन अपॉन सिक्स और ए डी का स्लोप माइनस थ्री। देखिए ए बी का स्लोप और सी डी का स्लोप आपस में इक्वल है तो जब ये स्लोप और ये स्लोप आपस में इक्वल है जब दो स्लोप इक्वल होता है तो लाइन क्या होता है पैरेलल हो गया ये लाइन और ये लाइन क्या हो गया पैरेलल हो गया। सिमिलरली बी सी का स्लोप और ए डी का स्लोप आपस में इक्वल है तो ये लाइन और ये लाइन भी आपस में क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। तो जब दोनों लाइन आपस में अपोजिट साइड क्या हो गया पैरेलल हो गया इसका मतलब क्या हो गया ये पैरेललोग्राम हो गया। तो लिखेंगे सिंस लिखेंगे हियर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी एंड बगल लिख लीजिए कितना है ए बी और सी डी का स्लोप कितना है वन अपॉन सिक्स एंड स्लोप ऑफ ए डी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी कितना है माइनस थ्री। ये दोनों स्लोप आपस में इक्वल है इसका मतलब ए बी और सी डी पैरेलल होगा और यहाँ पे ए डी और बी सी पैरेलल होगा। लिखेंगे सो ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी अपोजिट साइड पैरेलल होगा इसका मतलब क्या हो गया ए बी सी डी क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम हो जाएगा। इट मीन्स ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका है आप लोग पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जो बताया कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक थैंक यू सो मच।